तो हवामान विभाग ना अपडेट मुजब 14 थी 16 जनवरी दरमियान हरियाणा ने चंडीगढ़ ना केटलाक भागों में गाढ़ थी गाढ़ धुम्मस की संभावना व्यक्त करवामां आवी छे। एक अपडेट अनुसार हवामान विभागे कह्युं छे के 14 अने 16 जनवरी दरमियान हरियाणा अने चंडीगढ़ केटलाक भागों में गाढ़ थी गाढ़ धुम्मस जे छे जोवा मळशे। उत्तराखंड उत्तरकाशी में तीव्र ठंडी की असर जोवा मळी रही छे। गंगोत्री में तापमान में सतत घटाड़ो जोवा मळी रह्यो छे। भारतीय हवामान विभाग नुं कहेवुं छे के राजधानी दिल्ली में लोगों ने 16 जनवरी सुधी कड़कड़ती ठंडी नो सामनो करवो पड़शे के जारे दिल्ली एनसीआर में आज एटले के शनिवार 13 जनवरी महत्तम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस अने लघुत्तम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रहेवानी शक्यता छे। साथे ज घुम्मसना कारणे घणी एरलाइन्स पर असर पड़ी रही छे। ट्रेनो पण कलाको मोड़ी पड़ी रही छे। तो आईएमडीए घुम्मस अने कोल्ड वेव ने कारणे दिल्ली हरियाणा पंजाब सहित घणा राज्यों में रेड अलर्ट जाहेर कर्युं छे। दिल्ली एनसीआर सहित पूरे उत्तर भारत में पड़ रही कड़ाके की ठंड से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद में मौजूद हूं और गाजियाबाद में क्या हालात बने हुए हैं सर्दी से लेकर, तो वो हम दिखाने के लिए हमारी टीम आज ग्राउंड जीरो पर पहुंची है। सीधी तस्वीरें गाजियाबाद की हम दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग अपने आप को अच्छे से ढक कर निकल रहे हैं। सर्दी का सितम लगातार जारी है। इन तस्वीरों से ही अपने आप बयां होता है आखिरकार सर्दी कितनी है, इस कड़ाके की ठंड से लोगों का जीवन कितना अस्त व्यस्त हुआ है, लोग कितना परेशान हैं। ज़्यादातर लोग जो आपको दिख रहे होंगे अपने आप को प्रॉपर ढक कर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वजह यही है कड़ाके की ठंड पड़ रही है और इस ठंड से ने लोगों की सिकुड़न बढ़ा दी है। वहीं आज दूसरी मार भी आज लोग गाजियाबाद के लोग झेल रहे हैं। आज घना कोहरा गाजियाबाद में छाया हुआ है। पूरे गाजियाबाद को आज कोहरे ने अपनी चपेट में ले लिया है। सीधी तस्वीरें NH9 की हम दिखा रहे हैं। जो गाड़ियों की जो रफ्तार थी उस पर कहीं ना कहीं आज ब्रेक लगा है क्योंकि घना कोहरा है। आप देख सकते हैं जितने भी वाहन आपको दिख रहे होंगे वो हेडलाइट का उपयोग कर रहे हैं और साथ ही इंडिकेटर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। वजह यही है घना कोहरा है और कई इस तरीके की घटनाएं हो जाती हैं क्योंकि विजुअलिटी बेहद कम है। आज गाजियाबाद की ये तस्वीरें हैं जो बेहद घना कोहरा आज छाया हुआ है। तो आप घर से बाहर निकलें तो कृपया हेडलाइट का उपयोग ज़रूर करें, अन्यथा ज़रूरी काम ना हो तो घर पर ही टाइम बिताएं क्योंकि आज गाजियाबाद में बेहद ज़्यादा कोहरा देखा जा रहा है। जो पास का ही तकरीबन 20 से 30 मीटर की विजुअलिटी आज रह गई है और गाजियाबाद के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर जीरो विजुअलिटी है। तो आप समझ सकते हैं पास का भी नहीं दिख रहा है। तो यदि कोई प्रॉब्लम आती है कई इस तरीके की सिचुएशन में कई बार दुर्घटना भी हो जाती हैं। तो आप विशेष अपना ध्यान रख रहे हैं। इंडिया न्यूज़ की टीम लगातार आपको रिपोर्ट देती रहेगी। गाजियाबाद से अनिल चौधरी, इंडिया न्यूज़।